हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं चिकन बनाने जा रही हूँ एक अलग तरीके से, जिसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डालूँगी, आलू, मटर और मिर्ची। अरे ये मिर्ची, ये थोड़ी सी मटर मैंने छिलके उतार के रख लिए हैं, दो टमाटर हैं, थोड़े प्याज हैं और ये मसाले हैं, मिर्ची, तेज़पत्ते, नमक, धनिया पाउडर, ये गरम मसाले, लहसुन, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, जीरा, गोलकी और एवरेस्ट का ये चिकन मसाला। तो हम इन मसालों को ग्राइंडर कर लेंगे और इसमें एक चीज़ और डालूंगी मैं, जो है आलू। ये देखिए, 5 से 6 मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, मैंने छील के अच्छे से छील लिए हैं, नए आलू हैं, इसे छील के आसानी से उतर जाते हैं चक्कू से। और मैंने धो के और कट कर ली, पानी में डाली हूँ, एक बार और अच्छे से साफ से धो लूँगी इसे। और मैं इन सारी चीज़ों से बनाने जा रही हूँ चिकन। चलिए फिर बनाते हैं हम चिकन आलू के साथ। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, गैस स्टोव पे मैंने रख दिया है कढ़ाई को। इसमें डालते हैं सरसों के तेल और तेल गर्म होने पे हम फ्राई करेंगे। पहले आलू अच्छे से धो के हमने निकाल लिए पानी से बाहर, इसको फ्राई करेंगे। तेल अगर गर्म हो जा रही है तो आलू फ्राई करेंगे। जब तक आलू हमारी फ्राई होगी हम काट लेंगे प्याज और मिर्ची। हमारी तेल गरम हो गई है, इसमें पहले आलू फ्राई कर लेंगे। बिरयानी फ्राई हो रही है, करते हैं मसालों को ग्राइंडर कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं और हल्के से और इनको फ्राई करेंगे, अरे गोल्डन ब्राउन ब्राउन जैसे सारे आलू इस तरह से दिखाई देने लगे। और जब तक आलू हम फ्राई हो रहे थे हमारे, क्योंकि मैंने प्याज कट कर लिए, टमाटर भी कट कर लिए और मिर्ची भी हमने काट लिया दो दो टुकड़ों में। आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा आप तीखा नहीं खाते हैं तो मिर्ची कम कर लीजिएगा। और अगर हमारी 1 किलो चिकन है तो इसमें प्याज करीब 250 से 300 ग्राम रहेंगे, मिर्ची 50 ग्राम रहेगी। तो इसमें मैंने मटर डाल ली है कुछ 150 ग्राम और मीडियम साइज के प्याज है, टमाटर है 2 जो 100 ग्राम होंगे करीब। और मसाले जो हमने दिखाए थे वो ग्राइंडर कर लिए हैं, बाकी ये सब हमने फ़ोरन में डालने के लिए रखा है। इन सबको मैं फ़ोरन में डालूंगी, प्याज के साथ भूनूंगी और ये हल्दी इसमें मैंने ग्राइंड किए मसाले में ऐड कर दूँगी। तो चलिए हमारे आलू फ्राई हो लिए, थोड़ी और होगी उससे पहले हम थोड़ा नमक डालते हैं आलू के साथ, क्योंकि आलू में भी नमक ऑब्जर्व हो जाए। थोड़ी सी नमक डालेंगे कि चिकन में हमारे नमक और जलेंगे और आलू भी चिकन में जाने वाली है, तो थोड़ा नमक का ध्यान रखिएगा। आलू हमारा फ्राई हो गया है तो इसे हम बाहर कर लेंगे, निकाल लेंगे। सारे आलू हम निकाल के अलग प्लेट में रख लेंगे। आलू हमने निकाल लिए हैं, ये देखिए सारे आलू हमने और तेल से निकाल लिए कढ़ाई से। तो इसी तेल में, जो तेल बचे हुए हैं इसी तेल में हम थोड़ा सा चिकन को फ्राई करेंगे। हम ऐसे फ्राई करके जब बनाते हैं पक जाती है, खाने में भी एक अलग सा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। आप बना के ऐसे देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे बनाए हैं इसको। चिकन को मैं भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, तो इसे तेज आँच में ही भूननी है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हम इसे फ्राई करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हल्दी
चौथी नमक फ्राई करते समय डाल देंगे थोड़ी सी। नमक का थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा नहीं देनी है क्योंकि आलू में भी हमने नमक डाल रखा है पहले से, और थोड़ी सी ग्रेवी में भी नमक जाएगी, प्याज भूनेंगे जब थोड़ा सा नमक उस वक्त भी डालेंगे तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। 10 मिनट चिकन हमारे भून चुके हैं, अब इसे हम बाहर निकालेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूननी है इसको। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने देखिए चिकन बाहर निकाली है प्लेट में, तो अब सेम कढ़ाई में तेल डालेंगे और चिकन बनाएंगे, प्याज फ्राई करेंगे, सरसों के तेल हम डाल रहे हैं करीब 2 बड़ी चम्मच और तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। ट्रेन में अकेले ही वीडियो बनाती हूँ इसलिए वीडियो मेरी थोड़ी हिल जाती है, और घर वाले से छुपा के वीडियो बनाती हूँ इसलिए, तो मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि मेरी कोई मजाक ना उड़ा सके। तेल हमारे गरम हो गए हैं तो इसमें हम डालेंगे पहले जीरा, जीरा हल्का तड़कने लगता है तो डालेंगे तेजपत्ते, गरम मसाले, फिर हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च कम करिए, मत डालिए मिर्च ज़्यादा, मैं थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, फिर घर वाले थोड़ा तीखा खाते हैं तो मिर्च थोड़ा ज़्यादा यूज करती हूँ। प्याज प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, फिर हम थोड़ा डाल देते हैं नमक ताकि प्याज जल्दी गल जाए। प्याज को हम धीमी आंच पे थोड़ा ढक देंगे, इससे जल्दी हमारी प्याज गल जाएगी और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। प्याज हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं, देखिए गल गई है, प्याज से और भूने भी आलू के साथ, और ये जो मटर है हमने छिलके जो छिलके मटर के लाने रखे थे उन्हें भी उनके साथ फ्राई करेंगे। थोड़ी देर से पकाते हैं, 5 मिनट के बाद हम हल्के हल्के आज के लिए 5 मिनट तक रखते हैं। हो गई है, इसमें हम मसाला डालेंगे, फ्राई हो गई है अच्छी तरह से, मटर के दाने, प्याज और आलू, और इसमें जो ग्राइंडर किए हुए मसाले हमारे मसाले हमारे भून गए हैं तो थोड़े इसमें टमाटर डाल देते हैं, जो हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर काट के रखे थे, तो मसालों के साथ भून लेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, कढ़ाई छोड़ने लगी है हमारे मसालों को, अभी किसी पक नहीं गई है अभी, तो हमारे मसाले रेडी हो गए हैं तो इसमें अब हम डालेंगे चिकन। चिकन को हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चिकन के साथ हम मसाले भी थोड़ा सा फ्राई और कर लेंगे, और देखिए
5 मिनट में चिकन हमारी हो जाने वाली है रेडी। आप ऐसे बनाइए, खाइए, कमेंट करके बताइए, रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। आप इस तरह से रोस्टेड भी रख सकते हैं और ग्रेवी बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी। अब इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा। ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं करनी है। इस तरह से इसको चलाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे और 5 मिनट पकाएंगे। चिकन हमारी हो गई रेडी। इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप ऐसे ही चिकन बनाइए आलू के साथ, मटर के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कैसे बनाए हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।